वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ रूम टूर। तो अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रूम पे बहुत ज़्यादा इको हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरा सब पीसी का सामान ये सब है। तो अभी मैं इसको सेट करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा रूम हो गया। तो पहले मेरा पर्सनल रूम नहीं था, और उसमें जो रूम था उसमें एक भी खिड़की नहीं था। यहाँ पर एक तो खिड़की है, कम से कम बड़ा साइज का ही है, और फॉल सीलिंग पर भी लाइट है, ट्यूब भी है, और एक बल्ब भी होगा, स्मार्ट बल्ब होगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा जो पहले का रूम था वहाँ पे वो लाइट का प्रॉब्लम था, मतलब एक भी खिड़की नहीं था लाइट आने के लिए, और वहाँ पे रंग किया हुआ नहीं था। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी पेंटेड घर पर नहीं रहा। मैंने जितना भी घर पर अभी तक स्टे किया वो सब चूना मारा था, जो डिस्टेम्पर चूना बोल्ट है। तो अभी फाइनली एक पेंटेड घर पर रहने मिल रहा है, तो इतना अच्छा पेंट है, और ये ग्रे कलर का है। मैं आपको पेंट भी दिखा रहा हूँ कौन सा है। तो यहाँ पे है, ये देख लीजिए, ये एपकोलाइट एडवांस पेंट है, और ये मैट फिनिश है, पूरा रूम मैट फिनिश है। तो अभी ये सब रखा हुआ है, तो अभी सेट करना पड़ेगा जितना कुछ है, एक एक करके मैं अभी खोल के दिखाऊंगा, सीपीयू से लेके फिर यहाँ पे तो सारा माइक वो सब है। और यहाँ पे देख रहे लेते क्या क्या है, और ये मैकेनिकल कीबोर्ड। और अभी तक बिस्तर में कुछ नहीं रखा, अभी ये सब साफ करना पड़ेगा, वो सब कुछ है। और यहाँ पे एसी का भी जगह है, तो एक एसी भी लगा दूंगा। तो ये परमानेंट रूम है, अपना ही है। और यहाँ पे देख लीजिए ये रूम, तो ये मेरा पर्सनल रूम है, और ये पूरा जो है पूरा टोटल 3 BHK है, मतलब सबके लिए पर्सनल रूम है। मेरा भाई का भी अलग रूम है, मम्मी का पापा का भी अलग रूम है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी अभी झगड़ा बहुत कम जाएगा घर पर, तो घरेलू झगड़ा कम जाएगा, अपना रूम में काम करूँगा। और यहाँ पर मैंने वो एडाप्टर लाना भूल गया, तो अभी एक एक करके अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अभी सीपीयू को खोलने जा रहा हूँ। तो अभी मैं फेस भी दिखा सकता हूँ, तो रूम में, और रूम में एक एक्स्ट्रा लाइट लगा दूंगा, जहाँ हाई पावर का ट्यूब भी है, फॉल सीलिंग में भी लाइट है, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो अभी फेस के में एकदम ईजी है। तो अभी सबसे पहले निकालना पड़ेगा मतलब कैबिनेट। सो गाइस, मुझे अभी ड्रेस चेंज करके आना पड़ा, क्योंकि पसीने में हो गया, पूरा गीला हो गया। तो अभी पूरा फिटिंग करते हैं टेबल पे, फिर मैं दिखा दूंगा कैसा लगता है। और ये रूम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइल्स में फिर भी साफ करना पड़ेगा, और बहुत कुछ है, जैसे कॉर्नर देख सकते हो, ये सब अभी करना बाकी है, उसका बाद कम्प्लीट होगा। और एक फिनिशिंग टच देगा जो पेंटर है वो आके, तो उसका बाद ही होगा बाकी काम। तो अभी मेन चीज़ें पीसी को लगा देते हैं। और अभी ये काम चलाने के लिए एक चेयर लेके आया, और एक गेमिंग चेयर ले लूँगा बहुत जल्दी, और ये टेबल भी लंबा एक बना दूँगा, लोहे का फ्रेम होगा, ऊपर प्लाई होगा, ब्लॉक बोर्ड। तो ये देख लीजिए, तो ये LG का मॉनिटर, और ये रहा, ये से लगा देते हैं, फिर इसको टाइट करना पड़ेगा। तो अभी इसको टाइट करने के लिए गाड़ी का चाबी यूज़ करना पड़ेगा, पहले हाथ से थोड़ा कर देता हूँ, फिर गाड़ी का चाबी से कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, स्क्रू ड्राइवर मैंने अभी नहीं लाया। ये देख लीजिए, ये रहा इसका चार्जर और HDMI केबल। तो मैंने सोचा था कि मैंने HDMI केबल नहीं लाया, तो अच्छा किया मैंने बॉक्स में रख दिया था। ये रहा मेन मोनिटर, तो ये अभी गंदा है, क्योंकि मेरा जो पहले वाला घर था वहाँ पे कॉकरोच बहुत छरा था, सोच लीजिए एक रूम में 1000 कॉकरोच। तो वो देख लीजिए थर्माकोल को क्या हालत किया। तो अभी इसको थोड़ा साफ करके, तो बॉक्स भी गंदा है, थर्माकोल भी गंदा है, तो वो साफ करके फिर से लगाना पड़ेगा। तो पहले स्टैंड लगा देते हैं, उसका बाद सब कर देंगे, तो ईजी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी ये ऐसा लग रहा है, अभी मैकेनिकल कीबोर्ड और वो सब सब अनबॉक्सिंग करना बाकी है। तो ये देख लीजिए यूट्यूब का बॉक्स, तो यहाँ पर बहुत कुछ सामान है, जैसे माइक, सनग्लास, मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया। ये गेमिंग माउस है, तो ये यूज़ करने वाला हूँ, कॉस्मिक बाइट का अल्फा, और एक वायरलेस है डेल का, वो यूज़ नहीं करने वाला। और ये पैकेट में मैंने RGB खरीद के रख दिया, देख लीजिए, तो ये सब RGB लाइट है, RGB लाइट, और ये रेडियम स्टिकर। तो RGB लाइट मैंने एक्स्ट्रा खरीद के रख दिया था, इसका रिमोट भी है, तो इसका एडाप्टर लाना मैं भूल गया। तो यहाँ पर और एक एडाप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 2-3 एडाप्टर खरीद के रखा था। इसका साथ जो एडाप्टर होता है लाइट का साथ एकदम बकवास होता है, ख़राब हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, ये कीबोर्ड है HP का, तो एक स्विच निकल गया, तो मैकेनिकल है, थोड़ा ऐसे करने से निकल जाता है। ये ब्लू स्विच का कीबोर्ड है, साउंड काफ़ी ज़्यादा देता है, और ये अभी फिट करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़ है UPS, तो UPS के बिना नहीं होगा। UPS मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट जाता है, ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, आप लोग
मैं आपको पीछे में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना जंगल से जंगल है, एक भी आपको बिल्डिंग नहीं मिलेगा, ऐसा हालत है। मतलब गांव जैसे एरिया है और यहाँ पे पूरा फुल पूरा बिल्डिंग देख लीजिए। फर्स्ट फ्लोर में हो, मतलब सेकंड फ्लोर अभी तक बना नहीं, फर्स्ट फ्लोर बनाया और ग्राउंड फ्लोर भी खाली है, और अभी मैं इसको फिट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जाकर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या क्या सामान है। यहाँ पे एक UPS है और चाहिए पावर सप्लाई, तो ये मैंने जुगाड़ गलती से जुगाड़ कर दिया था पावर सप्लाई का, कोर्सियर का पावर सप्लाई को काट के 20 रुपये का प्लग लगा दिया, तो वो प्लग इंडियन नहीं होता, इसलिए अभी मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ। अभी कॉन्फ्यूजन है कहाँ पे रखूँ, तो मॉनिटर का पीछे रख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं होगा। और यहाँ पे देख लीजिए सॉकेट है, पहले वाला घर पे मेरा एक ही था, एक रूम में एक सॉकेट, तो मुझे एक्सटेंशन कोड से लाना पड़ता था, लंबा एक्सटेंशन कोड, वहाँ से PC भी चलता था और एक साथ 2-3 मोबाइल चार्ज होता था। इसमें यहाँ पे एक 16M का है, 6M का एक है और AC का भी है, और वहाँ पे एक है, मतलब 3 है टोटल सॉकेट, तो टेंशन नहीं है अभी। और अभी इसको लगा देते पीछे जाके, तो मैं अभी थोड़ा पॉज कर रहा हूँ वीडियो, जब PC चल जाएगा तब मैं आपको पूरा वीडियो दिखा दूँगा। सो गाइस, मैंने अभी PC कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले UPS मैंने पीछे रख दिया। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडियो रूम, तो मैं इस वीडियो पे ओनली ये रूम दिखाने के लिए बनाया, तो रूम 2 रहे ये, सोच लीजिए। अभी बोर्ड को चलना बाकी है, तो मैं एक ऐसे वीडियो डाल दिया कि मेरा रूम रेडी हो गया। तो पहले मेरे पास फेस दिखाने का लायक रूम नहीं था, अभी पूरा अच्छा सेटअप है और अच्छा लाइटिंग भी है, तो और भी लाइट लगा दूंगा और एकदम हैवी रूम हो जाएगा। और PC एक बार देख लीजिए, तो एकदम अच्छा लग रहा है। एक चीज़ बुरा लग रहा है कि ये टेबल उस साइड होने से अच्छा होता, और उस साइड होने से मैं शायद उस साइड कर दूंगा, बेड को मैं इस साइड लाऊंगा, तो PC का उस साइड दिखाई देगा, तो ये थोड़ा कॉर्नर में हो गया। और 4 फुट टेबल और एक लाऊंगा, तो देखना पड़ेगा कैसा होगा। सो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।